चाइनीज़ रेसिपी की एक और मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी जो है वो है फ्राइड राइस। तो जी मैं हूँ आपकी शेफ तरुणा बिलाड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बना रहे हैं फ्राइड राइस, बहुत टेस्टी और बिल्कुल स्ट्रीट वाला। तो चलिए देखते हैं कि फ्राइड राइस बनाते कैसे हैं। फ्राइड राइस बनाने के लिए जो राइस हम यूज़ करते हैं, जनरली सेला राइस हम यूज़ करते हैं, बासमती वाला। फिर भी नहीं है आपके पास तो कोई भी लॉन्ग ग्रेन वाला राइस आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 कप जितना राइस लिया है और राइस को मैंने 20 मिनट के लिए अच्छे से वॉश करके सोक कर लिया। इससे ज़्यादा सोक करेंगे तो हमारा जो चावल है वो टूट जाएगा। तो सिर्फ 20 मिनट मैंने सोक किया और उसके बाद गर्म पानी में इनको डाला है और उसके बाद इसको पका लिया। करीबन 80% तक ही कुक करना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी आपको कुक नहीं करना है। जब आप राइस को उठा कर देखेंगे तो थोड़ा सा हार्डली प्रेस हो रहा है, ये बहुत ईजीली प्रेस नहीं हो रहा है। तो इस तरह का हमें राइस चाहिए होगा। जैसे ये पक जाए उसके बाद तुरंत ही आपने इसको किसी भी स्ट्रेनर में लेके एक थाली में या कोई बड़ी सी प्लेट में इसको फैला देना है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस इमिडिएटली रुक जाए। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बॉईल करके कुक करके रखे हैं। कोशिश ये करें कि गरम गरम का तड़का ना लगाएं, 1 घंटा या 2 घंटा पहले ये प्रोसेस करके रख दें। और अगर फ्रिज में रख देंगे तो आपका चावल एकदम हार्ड हो जाएगा और जब तड़का लगाएंगे तो चावल टूटेगा नहीं। तो एक बहुत अच्छा तरीका है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गर्म चावल का तड़का नहीं लगाना है, अच्छे से ठंडा होने देना है और ठंडा होने के लिए इसको किसी भी प्लेट में फैला देना है। अब एक पैन में हमें लेना है ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें हम डालेंगे फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक, इसी में हम डालेंगे अदरक, ग्रीन चिली। बहुत ज़्यादा गार्लिक कुक नहीं करना है, तुरंत ही हमने डालने हैं फाइन चॉप किए हुए अनियन। अनियन थोड़ा सा सौते हो जाएगा तो हम डालेंगे इसमें कैरेट। सारी वेजिटेबल्स फाइन चॉप करके ली है मैंने, बेल पेपर्स, थोड़े से बीन्स, फ्राइड राइस में वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, उस हिसाब से मैंने अच्छे से वेजिटेबल्स डाली है। फिर भी अपनी चॉइस से आप कोई भी वेजिटेबल को कम या ज़्यादा कर सकते हो। कैबेज थोड़ा रुक के लेंगे, हल्की सी ये कुक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करनी, सारी सब्जियाँ क्रंची होती है। तो कैबेज और मशरूम हम थोड़ा सा रुक के डालेंगे। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं मशरूम। मशरूम ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते हो बिल्कुल स्किप कर सकते हो। कैबेज, अब हम इसमें सीजनिंग करेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, रेड चिली सॉस। अगर आप शेज़वान फ्राइड राइस बना रहे हैं तो थोड़ा सा शेज़वान सॉस ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा नमक। चावल में हमने ऑलरेडी जब बनाया था तो डाल दिया था, तो उस हिसाब से आप डालें यहाँ पे। अब हम इसमें डालेंगे एरोमेट पाउडर, ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते हो स्किप कर सकते हो, अमेज़न पर बहुत ईजीली अवेलेबल है। और थोड़ा सा विनेगर। जितनी भी कुकिंग है आपकी हाई फ्लेम पे होनी चाहिए, जैसे ही बहुत थोड़ी सी सब्जियों को पकाना है, ज़्यादा नहीं। अब हम इसमें डाल देंगे बटर। यहाँ पे इस तरह से बटर डालने से टेस्ट बहुत अमेजिंग आएगा, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें आप। और इसी के साथ ही जो राइस हमने कुक किए थे वो हम डाल देंगे। राइस डालने के बाद हल्के हाथों से आपको चलाना है। अच्छे से मिक्सिंग हो जाए फिर हम डालेंगे ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट और हरा धनिया। तुरंत ही इसे गर्मा गर्म सर्व करें। तैयार है हमारे फ्राइड राइस। स्पाइसी खाना है, शेज़वान आप डाल सकते हो, नहीं तो इसी तरह से इंजॉय कर सकते हो। तो देखा आपने फ्राइड राइस बनाना कितना आसान है, बिल्कुल आपको स्ट्रीट वाला टेस्ट आएगा, एकदम से अमेजिंग बनेंगे और सच में बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। और अगर आपको हमारी ये चाइनीज़ वर्कशॉप 5 डेज़ वाली बहुत पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे आप लोगों से ऐसी ही और अमेजिंग वर्कशॉप्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।